तो यार पोकेमोन जर्नीज के जो अपकमिंग एपिसोड्स हैं उनके टाइटल समरी वगैरह आ चुकी है और ये जो एपिसोड्स हैं इन्हीं एपिसोड्स में हमें सेमीफाइनल देखने को मिलने वाला है और उसके बाद जो पोकेमोन जर्नीज का ये सीजन होगा ये यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 एपिसोड्स के टाइटल समरी वगैरह देखने को मिले हैं जिनमें जो सेमीफाइनल की दोनों बैटल्स हैं वो क्लियर हो रही हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको इन 3 एपिसोड्स के टाइटल बताऊंगा, इनकी समरी बताऊंगा और इनकी रिलीज डेट की बात करेंगे कि ये हमें कब कब देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पोकेमोन कंपनी वाले काफी टाइम से एपिसोड्स की जो तरतीब है और जो उनकी रिलीज डेट की तरतीब है उनमें चेंजेस कर रहे हैं। कभी हमें बताते हैं कि एपिसोड 1 वीक लेट होगा और फिर जब एपिसोड के रिलीज होने का टाइम आता है तो उसी दिन एपिसोड आ जाता है। कभी हमें कहते हैं कि एपिसोड 2 वीक आएगा लेट लेकिन एपिसोड 3 वीक लेट आता है। तो इस तरह कुछ चेंजेस वो कर रहे हैं। तो मुझे ये तो नहीं पता कि वो हमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो एपिसोड्स आए हैं इनकी मेरे ख्याल में तो डेटें जो हैं वो एग्जैक्ट ही हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो सबसे पहले एपिसोड नंबर 121 की बात कर लेते हैं। तो इस एपिसोड का टाइटल है द क्लाइमैक्स बिगन्स साटोशी मास्टर टूर्नामेंट एक्सपीरियंस। ये जो एपिसोड है ये 12 अगस्त 2022 को फ्राइडे वाले दिन रिलीज होने वाला है और इस एपिसोड में हमें ऐश की वो तमाम बैटल्स दिखाई जाएंगी जिसके बाद वो अब मास्टर एट में आया है और वो ट्रेनर्स हमें फ्लैशबैक के तौर पर दिखाए जाएंगे या फिर हमें वैसे ऐश की उन ट्रेनर्स के साथ बैटल की एक लिस्ट दिखाई जाएगी जिन जिनके साथ ऐश ने बैटल की और हमें इस एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ऐश ने कहां पर कौन सी गलती की, वो कहां पर हारा, किससे वो जीता, किसके खिलाफ उसको ज्यादा मेहनत लगी हराने के लिए, कौन ज्यादा स्ट्रांग था, कौन वीक था और अब ऐश को क्या करना चाहिए। यानी तमाम एक्सपीरियंस जो ऐश का जर्नी का है और मे बी हमें इस एपिसोड में ऐश का जो पहले वाला एक्सपीरियंस है यानी पिछले सीजन का वो भी दिखा दिया जाए फ्लैशबैक के तौर पर, जैसे लीग्स हैं सिनो लीग, यूनोवा लीग, कालोज लीग, वो सभी हमें मे बी इस एपिसोड में देखने को मिल जाए। उसके बाद अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 122 की। इस एपिसोड में जो सेमीफाइनल्स की फर्स्ट बैटल है वो स्टार्ट हो जाती है और इस एपिसोड का टाइटल है द सेमीफाइनल्स फर्स्ट ओवरवेलमिंग विक्ट्री। तो ये जो एपिसोड है ये 26 अगस्त 2022 को फ्राइडे वाले दिन रिलीज होने वाला है और यहाँ पर हमें सेमीफाइनल की फर्स्ट बैटल में 1 वीक का गैप देखने को मिल रहा है। तो मे बी ये डेट चेंज हो जाए लेकिन फिलहाल तो यही डेट बताई गई है तो हम इसको ही मान के चलेंगे। तो इस एपिसोड में सेमीफाइनल की जो फर्स्ट बैटल है वो स्टार्ट होने वाली है और ऐश कैचम जो है वो इस बैटल में शामिल नहीं होगा। ये बैटल लियोन और जो डायंथा है उसके खिलाफ होने वाली है और यहाँ पर हमें इन दोनों की बहुत ही कमाल की बैटल देखने को मिलेगी और लास्ट पर जो लियोन होगा वो डायंथा को हरा देगा बड़ी बुरी तरह। डायंथा को वो अलॉन की तरह क्रश करने वाला इस बैटल में, तो ये बैटल बहुत ही ज्यादा कमाल की होगी। उसके अलावा बहुत सी रूमर्स है कि इस एपिसोड में हमें मेगा चार्जर्ड वाई जो है वो देखने को मिलेगा जो कि लियोन से बिलोंग करता है। उसके बाद फ्रेंड्स एपिसोड नंबर 123 की बात कर लेते हैं जो कि रिसेंटली आया है। तो यार इस एपिसोड का टाइटल है द सेमीफाइनल सेकंड बैटल डैजलिंग। यहाँ पर डैजलिंग का जो मतलब है वो कंफ्यूजन के मीनिंग में आ रहा है। इस एपिसोड में सिंथिया और ऐश की बैटल होने वाली है और यहाँ पर जैसे कि हमें रिसेंटली कुछ पोस्टर देखने को मिले थे जहाँ पर हमें इस एपिसोड की समरी दिखाई गई है जहाँ पर लिखा होता कि जो सिंथिया है वो ऐश को बड़ी बुरी तरह हरा रही है और ऐश जो है वो एक कॉर्नर में आ चुका है और अब उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अगर तो वो जीतना चाहता है। तो यार यहाँ पर जो डैजलिंग का लफ्ज है ये कंफ्यूजन है और ये उसी को इंडिकेट कर रहा है कि जो सिंथिया है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और ऐश उसको हरा नहीं पा रहा, तो अब ऐश क्या करेगा उसको हराने के लिए। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर ऐश सिंथिया जो है इनकी बैटल होगी और ये बैटल बहुत ज्यादा एपिक होने वाली है क्योंकि आपको पता है कि ऐश की बैटल जिनके साथ भी होती है वो बैटल बहुत ज्यादा अलग लेवल पर चली जाती है। तो ये जो एपिसोड है ये 2 सितंबर 2022 को फ्राइडे वाले दिन रिलीज होगा और अभी 32 डेज पड़े हैं इस एपिसोड के रिलीज होने में। तो मुझे तो बड़ी बेसब्री के साथ इस एपिसोड का इंतजार है और आपको भी यकीनन होगा इंतजार इस एपिसोड का क्योंकि इसमें ऐश की बैटल सिंथिया के साथ होने वाली है जो कि हम सभी सिनो रीजन से ही चाहते थे कि कभी ऐश सिंथिया के साथ बैटल करे। तो फ्रेंड्स यही थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हैं। अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट वीडियो।